हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज से हम लोग एमएस पेंट का पार्ट वन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमएस पेंट होता क्या है? एमएस पेंट का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया गया सॉफ्टवेयर है। और जब हम लोग विंडोज को इंस्टॉल करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो एमएस पेंट जो है बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। तो एमएस पेंट को हम लोगों को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो एमएस पेंट के अंदर हम लोग बेसिक सिंपल ड्राइंग करने का काम करते हैं। ड्राइंग ही नहीं, इसके अंदर हम लोग फोटो एडिटिंग भी काम करते हैं। फोटो एडिटिंग का मतलब ये है कि किसी फोटो का साइज 5 MB है, 10 MB है, उसको अगर केवी में कन्वर्ट करना हो, यानी कि एमबी से कहीं भी कन्वर्ट करना हो, तो इसके लिए भी आप एमएस पेंट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एमएस पेंट के अंदर ज्यादातर हम लोग ड्राइंग करने का काम करते हैं। ड्राइंग का मतलब ये है कि जैसे हम लोग बचपन में एक रंग बिरंगा स्केच खरीदते थे, रंग बिरंगा पेंसिल खरीदते थे, और एक सादा पेपर को लेकर के उसके अंदर हम लोग सपनों का महल और सपनों की रानी को सजाते थे, उसी प्रकार से आज हम लोग ड्राइंग करने जा रहे हैं। क्योंकि ड्राइंग जो है बहुत सारे आदमियों का, बहुत सारे जन का प्रोफेशन भी है। प्रोफेशन का मतलब ये है कि उनका बिजनेस भी है, जिनको आर्ट में मजा आता है, जिनके पास अंदर कला है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, ड्राइंग करने का। खासतौर से अगर ड्राइंग में आपको मजा आता है, ड्राइंग आपका प्रोफेशन है, तो ये वीडियो खासतौर से आप ही के लिए है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं एमएस पेंट में हम लोग ड्राइंग कैसे करते हैं। जो यूजर कंप्यूटर चलाने के बारे में सोच रहे हैं, कंप्यूटर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि शुरू शुरू में स्टार्टिंग में क्या होता है कि माउस पकड़ने में दिक्कत होता है, माउस को चलाने में दिक्कत होता है। तो माउस पे अच्छे से पकड़ बनाने के लिए एमएस पेंट का यूज कीजिए। एमएस पेंट का एकदम बढ़िया से यूज कीजिए। एमएस पेंट का यूज करने से माउस पे पकड़ आ जाएगा और ड्राइंग करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएस पेंट। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन के चैनल पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एमएस पेंट को स्टार्ट कैसे करते हैं। एमएस पेंट को स्टार्ट करने के लिए हम लोग दो तरीका सीखने जा रहे हैं। पहला हम लोग सीखेंगे स्टार्ट से, है ना। दूसरा हम सीखेंगे शॉर्टकट किसे। जब भी हम लोग सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो दिखता है स्क्रीन, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ये आपका डेस्कटॉप है और जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको छोटकू सब, इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप आइकन। और इस सब नीचे जो पट्टी दिया हुआ, इस पट्टी को बोलते हैं हम लोग टास्क बार बोलते हैं। इसको बोलते हैं टास्क बार बोलते हैं। और टास्क बार में जो सबसे पहला बटन दिख रहा है आपको स्टार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट। स्टार्ट से ही हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो स्टार्ट पर क्लिक करके हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर सकते हैं। बल्कि वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होना चाहिए, उस सॉफ्टवेयर का नाम सर्च करिए और उस सॉफ्टवेयर को ओपन करिए। तो हम लोग ओपन करने जा रहे हैं एमएस पेंट को। तो स्टार्ट पर क्लिक करके ढूंढना नहीं है कि एमएस पेंट कहाँ है कहाँ नहीं, बस आपको सर्च करना है, उसका नाम लिखना है। तो स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, हम लिखेंगे एमएस पेंट, पूरा नाम लिखिए या फिर हाफ नेम लिखिए, आपको सामने यहाँ एमएस पेंट दिखाई देगा। या नहीं तो यहाँ पर स्टार्ट से आप तीन नाम से एमएस पेंट को ओपन कर सकते हैं। पहला रहा एमएस पेंट, दूसरा है आपका PAINT पेंट, और तीसरा है आपका पी ब्रश। चाहे एमएस पेंट लिखिए या पी ब्रश लिखिए, या नहीं तो आप पेंट, उसका शॉर्ट नेम पेंट लिखिए। तीनों नाम से आप स्टार्ट पर क्लिक करके एमएस पेंट को सर्च करके इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि एमएस पेंट को कीबोर्ड से यानी कि शॉर्टकट की के माध्यम से कैसे स्टार्ट करते हैं। तो एमएस पेंट को शॉर्टकट की से स्टार्ट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड के द्वारा विंडो बटन और साथ में आर दबाएंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास रन बॉक्स खुलेगा। इस रन बॉक्स के अंदर अगर इससे पहले कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है तो उस सॉफ्टवेयर के नाम को हटाना ही है। जिस सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना उसका नाम लिखिए, वो अपने आप हट जाएगा। मुझे जो है इसमें एमएस पेंट लिखिए या नहीं तो पी ब्रश लिखिए, पी ब्रश एमएस पेंट या नहीं तो पी ब्रश से। और पी ब्रश को लिखने के बाद इस यहाँ से आप ओके करिएगा या नहीं तो इंटर करने के बाद आपका जो है एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। हम ओके करते हैं, एमएस पेंट को ओपन करते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस तरह का विंडो खुल रहा है। अगर विंडो का साइज छोटा हो तो यहाँ से हम लोग उसको फुल स्क्रीन कर देंगे, इसको यहाँ से हम लोग फुल स्क्रीन कर देंगे अपने विंडो के साइज को। तो इस तरीके से आपका कुछ एमएस पेंट ओपन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। अब हम लोग देख लेते हैं कि एमएस पेंट में कौन सा चीज कहां पर रखा हुआ, यानी कि कौन सा ऑप्शन कहां पर है, कौन सा मेन्यू कहां पर है, कौन से पट्टी कहां पर दिया हुआ, वो हम लोग जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो ऊपरी पट्टी दिख रहा है ये भाग है ना, सबसे ऊपर में, उसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर आपको सॉफ्टवेयर का नाम शो करता है और फाइल का नाम शो करता है। और राइट साइड में कुछ आपको तीन बटन देते हैं, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का और क्लोज का। मिनिमाइज से आपका विंडो प्रॉपर बंद नहीं होगा बल्कि टास्क बार में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर दिया रिस्टोर ऑन, या उसको बोलते हैं मैक्सिमाइज, इससे विंडो का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ क्लोज से अपने विंडो को प्रॉपर ओपन कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में आपको सॉफ्टवेयर का नाम शो करता है और इस फाइल का नाम क्या है वो शो करता है। जी हाँ दोस्तों, टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है मेन्यू बार,
मेन्यू बार एमएस पेंट के अंदर तीन होते हैं, फाइल, होम और व्यू। हर एक मेन्यू के अंदर ऑप्शन होते हैं और हर एक ऑप्शन को ग्रुप वाइज बांट दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप, इमेज ग्रुप, टूल्स ग्रुप, मतलब हर एक को ग्रुप वाइज बांट दिया गया है। तो एमएस पेंट के अंदर तीन मेन्यू है, फाइल, होम और व्यू। और फाइल के अंदर अगर आप आते हैं जैसे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। हम लोग हर एक ऑप्शन का देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। और एमएस पेंट के अंदर रूलर दो जगह दिए हुए हैं, एक टॉप में और एक लेफ्ट में दिया हुआ है। ये एरिया पूरा आपका वर्क एरिया है जहाँ पर हम लोग काम करेंगे और अच्छे अच्छे ड्राइंग बनाना सीखेंगे। और पेज के जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार, जो कि आपके एमएस पेंट का स्टेटस बताएगा कि पेज को कितना जूम कर रखे हैं, वो आपको इस साइड राइट कॉर्नर में दिखाई देंगे यहाँ पर। और आपका पेज का हाइट विड्थ कितना है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, कितना हाइट विड्थ है, 13.98 या 5.89, मतलब 13.98 इसका हो गया आपको चौड़ाई और 5.83 हो गया इसका लंबाई, है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि पहला जो फाइल मेन्यू दिया गया है, फाइल मेन्यू के अंदर क्या सा ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं। फाइल मेन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। पहला न्यू, न्यू काम होता है नया फाइल लाना। उसके बाद दिया आपको ओपन, ओपन काम होता है कि जो फाइल पहले से आप सेव कर रखे हैं उसको लाना। और सेव और सेव एज, दो दो ऑप्शन दिया हुआ, सेव भी और सेव एज भी, दोनों काम होता है फाइल को सेव करना। दोनों ऑप्शन की वजह से हम लोग फाइल को सेव करते हैं, लेकिन दोनों में इतना ही अंतर है कि सेव से आप किसी भी फाइल को एक ही बार एक ही नाम से सेव कर सकते हैं, लेकिन सेव एज से ऐसा नहीं है। सेव एज से आप अपनी फाइल को डुप्लीकेट, मतलब जितना मर्जी उतना बार सेव कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग नाम से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, वो भी सेव एज की मदद से। लेकिन ये चीज ध्यान है, सेव से आप एक ही बार एक ही नाम से एक ही लोकेशन में सेव कर सकते हैं। अगला है प्रिंट। जब भी हम लोग एमएस पेंट के अंदर कोई भी काम करते हैं, अगर अपने फाइल को, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने ड्राइंग को प्रिंट करना हो, तो हम लोग प्रिंट पे आते हैं। और यहाँ प्रिंट के साथ तीन सेटिंग आता है, एक है प्रिंट, एक है पेस्ट प्रिव, एक होता है प्रिंट प्रीव्यू। और आप चाहते हैं कि डायरेक्टली प्रिंट करते, प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। नहीं, प्रिंट करने से पहले हम लोग कुछ पेज सेटिंग कर लेंगे, साइज क्या होना चाहिए, मार्जिन क्या होना चाहिए, वो सब अगर करना हो डिसाइड, तो पेस्ट पे क्लिक कर लेंगे। और अगर आपको देखना हो कि प्रिंट करने से पहले आपका पेज कैसे प्रिंट होगा, आपका डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट होगा, तो यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। अगला भी है फॉर्म स्कैनर या कैमरा। ये अभी काम नहीं करेगा। ये कब काम करेगा, जब आप अपने सिस्टम के साथ स्कैनर मशीन को या फिर कैमरा को अटैच करेंगे, तब जाकर के आपका ये ऑप्शन काम करना स्टार्ट कर देगा। इससे होता क्या है कि स्कैनर मशीन की मदद से कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके एमएस पेंट में ओपन कर सकते हैं। कुछ एडिटिंग करना हो तो उसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगला दिया सेंड ईमेल, अपने ड्राइंग किसी को सेंड करना ईमेल के थ्रू, तो यहाँ से आप आसानी से सेंड कर सकते हैं। अगला दिया सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड की मदद से अपने बैकग्राउंड में आप कोई अच्छा सा ड्राइंग को सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एमएस पेंट में काम करेंगे, एमएस पेंट में काम करते करते अच्छा ड्राइंग बन जाए और उस ड्राइंग को आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड में सेट कर दें, तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड में यहां से भी हम लोग सेट करना देखेंगे। अगला है प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज की मदद से हम लोग पेज का हाइट विड्थ को डिसाइड करते हैं कि पेज का हाइट विड्थ कितना होना चाहिए और कलर मोड कैसा होना चाहिए, वो सब सेटिंग हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला दिया है अबाउट पेंट। अबाउट पेंट पर क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं कि किस विंडोज को आप यूज कर रहे हैं, यानी कि विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, विंडोज 8 कर रहे हैं, यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं। तो हम विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि हाँ विंडोज 10 यूज कर रहे हैं। अगला और लास्ट में दिया हुआ है आपको एग्जिट। एग्जिट से इस विंडो को प्रॉपरली आप बंद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो फिर से हम लोग विंडो के साथ, फिर से हम लोग विंडो आर करते हैं, इसके अंदर एमएस पेंट या पीवर्स लिखते हैं या ओके या फिर कीबोर्ड से आप इंटर करके इसको ओपन कर सकते हैं। अगर इस पेज का हाइट विड्थ यानी चौड़ाई लंबाई कम करना हो या फिर ज्यादा करना हो, तो हम लोग फिर फाइल के अंदर आएंगे। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टीज दे रखा है, प्रॉपर्टीज इस पे क्लिक करके आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया है विड्थ कि पेपर का चौड़ाई कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम पांच इंच चौड़ाई होना चाहिए, 5 इंच। कैसे हम समझे कि ये इंच में ही काम हो रहा है, सामने रखिए, सामने इसमें इंच लिया हुआ है, सेंटीमीटर भी है, पिक्सल भी है, तो यहाँ पर जो सेलेक्ट रहेंगे ना उसी में आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। और ये रूलर को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि रूलर के अंदर कैसा आपको बिहेवियर होना चाहिए, इंच में, सेंटीमीटर में या फिर पिक्सल में, जो आपको समझ में आए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंच को ही रहने देते हैं। तो विड्थ कर दिए 5 और हाइट कर दिए जैसे कि 2, 5x2 कर लेते हैं, तो देखते हैं इसको क्या होता है। डिफॉल्ट नहीं करना है, तो जब भी आप डिफॉल्ट कर दीजिएगा, जब भी एमएस पेंट को ओपन करिएगा, तो 5x2 के साइज में ही आपका जो है पेज का साइज आएगा। इसलिए डिफॉल्ट नहीं करते हैं हम लोग, अपने मन से जब जितना हो उतना साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहां से अगर आप साइज छोटा बड़ा कर दिए, ओके कर दिए, तो जब आप पेज में आएंगे यहां पर, तो यहां से भी आपको दिखाई देगा पॉइंट 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 दिख रहा है आपको, है ना। इस पॉइंट की मदद से भी पेज का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको क्लिक करते हुए खींचिएगा तो बड़ा होगा, है कि नहीं है। तो सिर्फ चौड़ाई बढ़ाना हो तो सिर्फ चौड़ाई यहां से बढ़ा लीजिए, लंबाई बढ़ाना हो तो लंबाई यहां से बढ़ा लीजिए, अन्य चौड़ाई लंबाई दोनों बढ़ाना हो तो इस कॉर्नर से आप क्लिक करते हुए चौड़ाई लंबाई दोनों को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि पेज का साइज बहुत छोटा रहता है ना, जैसे कि आपको दिखाते हैं इसको, अगर आप क्लिक करते हुए एकदम छोटा कर दिए और आपको पेज मिलता ही नहीं रहता है कि पेज गया कहां, जा व्हाइट पट्टी दिख ही नहीं रहा है, कोई काम कर रहे हो, कोई काम हो ही नहीं रहा है, तो घबराना नहीं है,
तुरंत दौड़ के आपको फाइल मेन्यू के अंदर जाना है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर आना है और यहाँ पर आपको विड्थ दिया हुआ, विड्थ चौड़ाई हाइट विड्थ कम हो गया है, आप विड्थ को कर दीजिए आप 5 और अगला हाइट है, हाइट में आइए इसको भी कर दीजिए आप 5x5 कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं तो आपका जो पेज साइज हो गया 5x5 का हो गया और बड़ा करना इसको कॉर्नर से खींच के आप इसको इतना बड़ा कर सकते हैं, इतना में आपको काम करना है उतना बड़ा करके काम कर सकते हैं। जी दोस्तों ये है पेज, क्योंकि पेज ही असल होता है हम लोग काम करने के लिए, जितना बड़ा पेज करेंगे उतना अच्छे से उतना आराम से आप ड्राइंग करने का काम कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर होम मेन्यू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं और हर एक ऑप्शन को ग्रुप बांट दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कट कॉपी पेस्ट दिया हुआ है, इमेज ग्रुप के अंदर क्रॉप रिसाइज सेलेक्ट बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, टूल्स ग्रुप जिसको हम लोग औजार बोलते हैं, यही से हम लोग जो है ना ड्राइंग करने का काम करते हैं या फिर कलर को फिल करने का काम करते हैं, मिटाने का काम करते हैं। इसमें कुछ लिखने वाला A4 टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ लिखने के लिए दिया हुआ है और आगे बढ़ेंगे यहाँ ब्रश दिया हुआ है, शेप शेप से हम लोग ड्राइंग बनाने का काम करते हैं, आउटलाइन फील साइज कलर इसको समझिए, कलर को समझना जरूरी है। जी दोस्तों कलर के लिए यहाँ पर आपको 2 बॉक्स कलर 1 और कलर 2 इसको अच्छे से देख लीजिए, कलर के लिए आपको यहाँ पर 2 बॉक्स दिया हुआ है कलर 1 और कलर 2। कलर 2 जो है आपका बैकग्राउंड कलर है, कलर 2 बैकग्राउंड कलर है और कलर 1 आपका फोरग्राउंड कलर है। कलर 2 बैकग्राउंड कलर इसलिए व्हाइट है क्योंकि हम लोग बचपन से ही व्हाइट पेपर पर लिखते आ रहे हैं तो कंपनी भी हम मुझे व्हाइट पेपर ला के देते हैं क्योंकि व्हाइट पेपर सब लिखना पसंद करते हैं, इसलिए आपको कलर 2 व्हाइट बाय डिफॉल्ट होता है। आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और जो मर्जी यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ हम व्हाइट ही रहने देते हैं। फोरग्राउंड कलर यानी कि कलर 2 के ऊपर यानी बैकग्राउंड के ऊपर आप जो भी काम करेंगे वो सभी के सभी ब्लैक कलर में काम होंगे, इसलिए कलर 1 को यहाँ पर ब्लैक कर रखा है। आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके इसका जो मर्जी कलर को चेंज कर देंगे, अगर यहाँ पर कलर चेंज कर देंगे तो जो कलर आप लेंगे उसी कलर में कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बाय डिफॉल्ट अभी ब्लैक रहने देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कलर 1 ब्लैक होता है और कलर 2 एमएस पेंट के अंदर व्हाइट होता है। और यहाँ पर दिया कलर दिया हुआ कलर, इतना ही कलर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर अगर कलर कम पड़ जाए तो हम लोग एडिट कलर से कलर को ले लेंगे। ये आपका मान लीजिए कि एक दुकान के अंदर कलर रखा हुआ है ना, दुकान में कलर कम पड़ जाए तो हम लोग गोडाउन से माल ले लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गोडाउन खुल जाएंगे। अगर गोडाउन में माल कम पड़ जाए तो यहाँ पर फैक्ट्री दे रखा है, फैक्ट्री से जैसे मर्जी वैसे जो मर्जी वो कलर को बना सकते हैं और वहां से सेलेक्ट करके ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ये ब्लू कलर बनाना है, ब्लू कलर ले लिए, अब ब्लू कलर को आपको किस तरह से बनाना है उसके लिए यहाँ पर दे रखा है एक वर्टिकल में लाइन दे रखा है, इस एरो पे क्लिक करके इसको आप कम ज्यादा करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाएगा, कलर सॉलिड में दिखाएगा कि आप कलर किस तरीके का बन रहा है, यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर कलर जैसा आपको बनाना हो, फेंका गाढ़ा जो बनाना हो, यहाँ से बनाने के बाद यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे, ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो कलर जो आप बनाए थे वो यहाँ पर ऐड हो गया, तो जो कलर आपको ऐड करना हो वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कम पड़े तो एडिट कलर के अंदर जा करके आप कलर को ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम यहाँ पर ब्लैक ही कलर रहने देते हैं। तो ये था हम लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट, अब हम लोग काम की बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी शेप को ड्रॉ कैसे करते हैं, तो शेप को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर शेप का आपको ग्रुप अलग से दे रखा है, इसमें आपको अलग अलग तरह का कई नामों से शेप को दिया हुआ है, कई स्टाइल का शेप दिया हुआ है, पहला दिया लाइन, उसके बाद दिया कर्व, उसके बाद दिया ओवल, रेक्टेंगुलर, राउंडेड रेक्टेंगुलर, पॉलीगॉन, ट्रायंगल, स्टार, बहुत सारे चीज में दे रखे हैं, इतना ही नहीं है। और इस एरो पे क्लिक करते हैं तो आपको 2-3 शेप और मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हार्ट दे रखे हैं और हार्ट बड़े हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ लाइटिंग वाले दे रखे हैं, नहीं करता लाइटिंग नहीं देता उसमें लाइटिंग दे रखे हैं आपको, तो आप हर एक शेप को ड्रॉ कर करके जो दिमाग में आए वो ड्राइंग अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए कुछ ड्राइंग करना सीखेंगे, लेकिन पहले हम लोग हर एक शेप को समझ लेते हैं। यहाँ पर ये लाइन है, लाइन से हम लोग को सिंपल क्लिक करते हुए, माउस से क्लिक करते हुए कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगला दिया आपको कर्व, कर्व की मदद से आप जो है पहले लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद जो है अपने शेप का आकार, अपने लाइन का आकार को करना हो या फिर ऊपर करना हो, है ना, जैसे मर्जी वैसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मर्जी वैसे क्लिक कर दीजिए, कर्व कर्व फिर लिए, कर्व लेने के बाद इसको नीचे खींचना हो ऐसे, इस तरह करना हो इस तरह कर दीजिए और वहीं पर क्लिक कर दीजिए, आपको वैसे ही बन जाएगा। अगला फिर कर्व लीजिए, मान लीजिए आपको इस तरह करना हो, यहाँ पर क्लिक ऐसे बनेगा, यहाँ पर क्लिक ऐसे कर जाए, इस तरह कर्व बनता रहेगा, हम लोग वो भी सीखेंगे। और इसमें दिया ओवल दिया है, ओवल लीजिएगा इसको, कुछ इसे तो बनेगा आपको। रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर से आप चौकट में किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए स्टार दे रखा है, जो भी आपको ड्रॉ करना हो यहाँ से आप आसानी से ड्रॉ करने का इस तरह काम कर सकते हैं, जो भी ड्रॉ करना हो आप यहाँ पर ड्रॉ करके इस तरह से देख लीजिएगा।
जो भी ड्रॉ करना हो, है ना। इसके अंदर मान लीजिए आपको कलर फिल करना है, तो कलर फिल करने के लिए यहाँ पर कलर दिया हुआ है, जो कलर फिल करना है वो कलर कलर वन में लेंगे, क्योंकि कलर वन में कलर लेंगे तो आप क्लिक करके कलर फिल कर सकते हैं, अगर कलर टू में कलर लेंगे तो उसके लिए क्लिक नहीं, आपको राइट क्लिक करके कलर फिल करना होता है। तो चलिए आप लोग अभी हम लोग कलर वन का काम करते हैं, तो कलर वन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लेते हैं ब्लू कलर ले लिए, और कलर तो ले लिए लेकिन कलर को इसके अंदर डालेंगे कैसे, तो इसके अंदर अगर कलर डालना हो तो उसके लिए आपको जो है यहाँ से टूल्स के अंदर आना है, और टूल्स के अंदर यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा फील विथ कलर। जी हाँ दोस्तों, फील विथ कलर को जब तक लेंगे नहीं तब तक इसमें कलर आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, फील विथ कलर पर क्लिक करते हैं और जहाँ पर कलर फिल करना हो वहाँ पर जाएगा, क्लिक कर दीजिए वहाँ पर कलर फिल हो जाएगा, और फिर कलर चेंज करना हो तो कलर को चेंज कर दीजिए, और जहाँ जहाँ कलर फिल करना है वहाँ पर कलर फिल करते रहिए, इस तरह से आपका कलर जो है फिल होता रहेगा। और इसमें एक देखा आपको पहले पॉलीगॉन, पॉलीगॉन करना क्या देख लीजिए, पॉलीगॉन पर क्लिक करते हैं, पॉलीगॉन के लिए पहले आपको लाइन खींचना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, मतलब जहाँ से आप लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं वो उसी छोर में जाकर दोबारा वापस मिला दीजिएगा, तो आपका जो शेप तैयार हो जाएगा। ये नहीं कि अगर खींचते हैं तो जा रहे हैं काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं, जब तक आप एक छोर से दूसरे छोर को नहीं मिलाइएगा तब तक जो है आपका शेप कंप्लीट नहीं होगा, ये बात को पॉलीगॉन में ध्यान रखना है। अब मुझे इस सभी चीज को डिलीट करना है। जी हाँ दोस्तों, तो सभी चीज को डिलीट करने के लिए पहले सेलेक्ट करना होगा, तो सेलेक्ट करने के लिए हमें स्टेटमेंट तीन तरीका दिया हुआ है, वो ऑप्शन कहाँ पर है, वो ऑप्शन आपको इमेज ग्रुप के अंदर यहाँ पर साइड का ऑप्शन दे रखा है, अगर आप साइड के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो जो है रेक्टेंगुलर के फॉर्मेट में सेलेक्ट करता है, और ऑप्शन देखना आपको तो इसके एरो पर क्लिक कीजिए, इसको एरो पर क्लिक करिएगा तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखा देंगे, जैसे कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फॉर्म, सेलेक्ट ऑल, इनवर्ट, डिलीट, ट्रांसपेरेंट। तो अभी हम लोग तीन तरीका सीख रहे हैं सेलेक्ट करने का, पहला है रेक्टेंगुलर, अगर आप रेक्टेंगुलर पर क्लिक करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से चौखट में सेंटर में काम कर सकते हैं, और कीबोर्ड से कर दीजिए डिलीट। अगर आप रेक्टेंगल लेंगे तो कुछ इस तरह से चौखट में सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप कीबोर्ड से कर दीजिए डिलीट, यानी तो स्लाइड के नीचे एरो पर क्लिक कीजिए, यहां से भी आकर आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अगला दिया फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म से क्या होता है कि जैसे मर्जी वैसे माउस का क्लिक करते हुए जो पार्ट को सेलेक्ट करना हो उतना ही सेलेक्ट करिए, उतना ही सेलेक्ट करिए और कर दीजिए डिलीट, जिसको डिलीट करना उतना ही सेलेक्ट करिए, है ना, सिर्फ इतना ही मुझे डिलीट करना, इतना ही सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे डिलीट, मतलब जैसे मर्जी वैसे माउस चलाइए और अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, फिर डिलीट करिए या फिर जो करना कर सकते हैं। अगला दिया आपको सेलेक्ट ऑल, कि जितने भी आप पेज के अंदर काम किए होंगे, कैनवास के अंदर काम किए होंगे, सभी को हटाना हो तो सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, और कीबोर्ड के द्वारा या नहीं तो सेलेक्ट के अंदर ही आकर के यहां से आप आसानी से इसको डिलीट कर दीजिएगा, पूरा का पूरा पेज क्लियर हो जाएगा। तो ये था हम लोग तीन तरीका सेलेक्ट करने का। अगला इसमें दिया हुआ आपको यहां पर इनवर्ट सिलेक्शन, इनवर्ट सिलेक्शन करता क्या है, अगर आप कोई शेप ड्रॉ किए हुए देख लीजिए, और ये शेप आप ड्रॉ किए हुए, इस कुछ शेप को ड्रॉ कर लिया, अब मुझे करना क्या है, इसको पहले सेलेक्ट करना है, क्योंकि सेलेक्ट करेंगे तब जाकर के आपका ये इन्वर्ट सेलेक्शन काम करेगा। इसका काम क्या होता है, उल्टा काम करना है, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा, कि हम अगर चाहते हैं कि जिसको सेलेक्ट करेंगे वो डिलीट नहीं होना चाहिए, जिसको सेलेक्ट नहीं करेंगे वो डिलीट होना चाहिए, तो अभी हम इस दो शेप को सेलेक्ट किए हुए हैं, इस पांच शेप को सेलेक्ट नहीं किए हुए हैं, हम चाहते हैं कि जिसको सेलेक्ट करें वो डिलीट नहीं हो, जो सेलेक्ट नहीं करेंगे वो डिलीट होना चाहिए, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट में आएंगे, इन्वर्ट पर क्लिक कर देंगे और कर देंगे इसको डिलीट, तो आप देखेंगे जो सेलेक्ट है वो रह गया, जो सेलेक्ट नहीं था वो आराम से गायब हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो ये है इन्वर्ट का काम, और दोबारा वापस लाना हो तब अंडू करने का काम हो सकते हैं, अंडू का ऑप्शन आपको टर्नर बार में लेफ्ट कॉर्नर में दे रखा है, यहाँ पर आप गौर से देख लीजिए, अंडू करने के साथ अंडू का एरो जो है लेफ्ट की ओर मुड़ रहता है और रीडू का एरो जो है आपका राइट की ओर मुड़ रहता है, अंडू का काम होता है एक स्टेप बैक जाना और रीडू का काम होता है एक स्टेप आगे जाना। जी हाँ दोस्तों, अंडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जेड, रीडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस वाई, तो आप शॉर्टकट को ज्यादा यूज करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि शॉर्टकट से हम लोग का काम आसान हो जाता है, तो कंट्रोल जेड अंडू करिएगा, जो भी काम आप डिलीट किए थे सभी को वापस ला सकते हैं बारी बारी से। अगला इसके अंदर दिया हुआ आपको यहाँ पर देखिएगा, तो डिलीट, डिलीट जानता ही है, किसी भी पार्ट को डिलीट करना हो सेलेक्ट करिए इसको और कर दीजिए कीबोर्ड से डिलीट, यानी तो यहाँ से आप यहाँ पर आकर इसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं। अगर पूरे क्लियर करना हो तो कंट्रोल के साथ ए, सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल दे रखा है, सेलेक्ट ऑल करने का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए होता है, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, या नहीं तो कंट्रोल ए दबा दीजिए, कीबोर्ड से कर दीजिए डिलीट, आपका पूरा पेज क्लियर हो जाएगा। अगला हम लोग ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन में काम क्या होता है वो हम लोग देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन में काम होता है कि किसी भी बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना, जैसे कि हम एक शेप ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर हम राउंड ले लिए, इसको एक ड्रॉ कर दिए इस तरीके से, इसके अंदर मुझे फिल करना है ब्लू कलर, तो पहले बाहर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ कलर वन पे क्लिक करके यहाँ पर ब्लू कलर ले लेंगे और यहाँ फिल विद कलर को लेकर के इसमें कलर को डाल देंगे। अब मुझे एक स्टार ड्रॉ करना है, स्टार का आउटलाइन कलर कर देते हैं इसको येल्लो, येल्लो कर दिए, और इसके अंदर का कलर जो है करते हैं रेड, तो बाहर क्लिक करेंगे यहाँ पर रेड ले लेते हैं और रेड 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 यहाँ पर रेड ले लेते हैं और यहाँ फिल विथ कलर ले लेते हैं, उसके बाद इसमें कलर फिल कर देते हैं।
अब मुझे करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट को, इस स्टार को यहाँ से मूव करके मुझे इसके अंदर लाना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर लाना है। तो इसको मूव करने के लिए पहले सेलेक्ट करना होगा, तो सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको पहले इस तरीके से कुछ इस तरह सेलेक्ट करना है ताकि इस सिलेक्शन के अंदर आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर आ सके। सेलेक्ट करने के बाद इसको बीच से क्लिक करते हुए इसको मूव करा के यहाँ पर ले आएंगे। तो जब आप मूव करा रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे उसके साथ में बैकग्राउंड भी आ रहा है। आप कहते हैं कि इसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का नहीं आना चाहिए, तो सेलेक्ट के अंदर आइए और ट्रांसपेरेंट को टिक लगा दीजिए, तो आपका बैकग्राउंड हट जाएगा, ओनली आपका ऑब्जेक्ट दिखा देगा। जी हाँ दोस्तों, तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपको एक लॉजिक तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। वो लॉजिक क्या है हम लोग देख लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो हम लोग यहाँ से वहां मूव कर दिए, ट्रांसपेरेंट ऑन करके उसका बैकग्राउंड हटा दिए, ठीक है दोस्तों। और हम लोग क्या करते हैं, फिर दोबारा उसको यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से बाहर निकालेंगे तो देखेंगे साथ में फिर दोबारा बैकग्राउंड आ रहा है। दोबारा बैकग्राउंड क्यों आ रहा है, हम तो ट्रांसपेरेंट को ऑन कर रखे हैं फिर भी बैकग्राउंड आ रहा है। बैकग्राउंड आने का मकसद यही है कि पहले ये सेप था यहाँ पर, तो इसका बैकग्राउंड व्हाइट था, तो वो कलर जो है बैकग्राउंड से मैच कर गया, वो आराम से ट्रांसपेरेंट हो गया। लेकिन जब इस सेप को यहाँ से यहाँ लेके आए हैं तो इसका बैकग्राउंड में हो गया ब्लू कलर, और कलर टू से ब्लू कलर मैच नहीं किया, इसीलिए वो अपना कलर यहाँ पर व्हाइट कलर छोड़ दिया है। तो ट्रांसपेरेंट में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जहां से भी किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर और कलर टू जो बैकग्राउंड कलर है ना, दोनों का दोनों मैच करना चाहिए, सेम कलर दोनों में होना चाहिए, तब जाके आपका ट्रांसपेरेंट वर्क कर पाएगा। तो इसको हम लोग अंडू कर लेते हैं, अंडू कर लिए, फिर से हम लोग इसको सेलेक्ट कर लिए है ना। अब जो कलर इसके बैकग्राउंड में है वही कलर जो है हम लोग कलर टू में सेलेक्ट करके यहाँ पर डाल देंगे, और उसके बाद जो है अपने ऑब्जेक्ट को आसानी से इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर ले आए, फिर इसको अंदर करना, तो फिर दोबारा सेलेक्ट करिए, ये जो व्हाइट कलर इसके पीछे में है तो फिर से व्हाइट कलर कलर टू में डाल दीजिए, और फिर इसको मूव करा के आसानी से आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये था आपको ट्रांसपेरेंट का लॉजिक, जो कलर टू और ऑब्जेक्ट के पीछे का बैकग्राउंड दोनों मैच करना चाहिए, तब जाके आपको प्रॉपर ट्रांसपेरेंट काम कर लेगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है, नहीं तो इतना बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते रहते हैं कि हम सर तो कर रहे थे लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा, इसीलिए इस बात को जरूर ध्यान रखना। अगला हम करो करो का काम क्या होता है, किसी ये पार्ट को काटना छाटना, इस पार्ट को कितना काटना है, तो हम चाहते हैं कि इस पार्ट को जो है मुझे इतना एंगल काटना है, इतना एंगल पेज में रखना है और बाकी सब काटना है, तो उतना सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सेलेक्ट करने के बाद ही आपका करो काम करेगा, बिना सेलेक्ट किए करो काम नहीं करेगा। तो जितना पार्ट आपको रखना है उतना पार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, अब करो के ऊपर क्लिक कर दीजिए, बाकी सब हट जाएगा, जितना सेलेक्ट किया उतना रह जाएगा। फिर दोबारा लाना हो तो कंट्रोल जेड से अंडू करके दोबारा ले आइए आप। रिसाइज, रिसाइज से आप किसी भी फोटो को या फिर अपने पेज को छोटा साइज के छोटा बड़ा कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर पास कोई फोटो है, फोटो का साइज छोटा बड़ा करना हो, जैसे कि आपका फोटो है 5 MB का करना हो, 10 KB 15 KB 20 KB 100 KB में करना हो, तो वो भी काम आप हम लोग रिसाइज से कर सकते हैं। हम लोग करना सीखेंगे आगे, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि पेज का साइज छोटा बड़ा कैसे करते हैं। तो इस जो भी ड्राइंग किए हैं सभी के साथ और पेज का भी साइज अगर इंक्रीज करना हो डिक्रीज करना हो तो हम लोग रिसाइज के अंदर आएंगे, और यहाँ पर दे रखा है आपको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लंबाई में और चौड़ाई में कितना छोटा छोटा करना है। तो मुझे लंबाई चौड़ाई दोनों छोटा करना है, और आपको सिंगल सिंगल करना हो तो इस मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो टिक हटा करके सिंगल सिंगल चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे दोनों को एक साथ करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐसे करना आगे 50 करके एंटर कर देंगे, ये आपको आधा साइज छोटा हो जाएगा। फिर से इसे साइज जैसे पहले बना था उसे करना है। अब अंडू कर सकते हैं या नहीं तो रिसर्च के अंदर दोबारा आइए। जब भी आप रिसर्च को ओपन करिएगा तो बाय डिफॉल्ट इसे साइज यहाँ पर 100 ले लेता है। इसको आधा करना था तो हम लोग 50 किए थे, अब इसको फिर से पूरा फुल पर करना है तो फिर से हम इसका दुगुना कर देंगे, 200 कर देंगे, और इंटर करके जैसे पहले साइज था वैसे बड़ा कर दीजिए। जी दोस्तों, चलिए तो कंट्रोल ए से ऑल साइड करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अगला दिया है रोटेट, रोटेट से आप किसी भी शेप का एंगल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एरो लेते हैं, एरो का एंगल कुछ इस तरह का है, इसको अगर चेंज करना हो तो फिर रोटेट में आएंगे, कुछ ऐसे करना हो 90 डिग्री करना हो या फिर लेते हैं 180 डिग्री करना हो है ना, तो जैसे आपको करना हो दोबारा इसमें क्लिक करके 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री जो भी करना हो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये है रोटेट जो किसी भी शेप को घुमाने का काम करता है, इसको करते हैं डिलीट। तो हम लोग रोटेट के मदद से कुछ डिजाइनिंग करके देख लेते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं, रोटेट से ड्राइंग कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पर ओवल लेते हैं, ओवल लिए, ओवल पे क्लिक करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से खींचेंगे, खींचने के बाद जितना बड़ा करना उतना बड़ा कर लीजिए। अब इसमें करना क्या, मुझे यहाँ पर इसको चश्मा पहनाना, चश्मा, तो यहाँ पर फिर से ओवल लिए और इसको इतना बड़ा ड्रॉ कर लिए। हम चाहते हैं कि दोनों चश्मा का जो शीशा है ना दोनों साइज बराबर होना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, ड्रॉ करके बाहर क्लिक कर देंगे और सेलेक्ट पर जाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के लिए हटा देंगे तो यहाँ पर गौर से देखिए आपका जो है ट्रांसपेरेंट और नहीं है, ये ऑफ है, तो ये क्या कर रहा है, बैकग्राउंड से इसको ढक रहा है, इसीलिए जब भी काम करना है तो ट्रांसपेरेंट को ऑन करके रखना है। इसको ऑन कर दीजिएगा आपका बैकग्राउंड इसका हट जाएगा, आर पार दिखाई देगा।
एक यहाँ पर रख दीजिए जैसे आपको इसको ठीक करना हो, और कीबोर्ड से एरो के से भी इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। बार क्लिक कर दीजिए, एक तो कॉपी किए हुए इसको फिर से पेस्ट कर लेते हैं, इसको भी यहाँ से मूव करा के इसको यहाँ पर आके इसको रख देते हैं। अब मुझे इसको मिटाना है, इस लाइनिंग को इसके अंदर लाइन में मिटाना है, तो यहाँ पर दिया इरेजर, इरेजर लेंगे और इस लाइनिंग को आसानी से इसमें सिंगल क्लिक करते 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 सिंगल क्लिक कर करके इसको मिटा देंगे, इसमें क्लिक कर करके इसको मिटा देंगे, मिटा देंगे इसको। इसको मिटाने के बाद फिर इस लाइन में मिटाएंगे। अब क्या करना मुझे इसके अंदर रेटिना बना, रेटिना जेल सो जो देखने का काम करता है, इसमें क्लिक करेंगे और फिर इसके अंदर छोटा सा दोनों में छोटा छोटा एकदम एक साइज का बनाने का प्रयास करेंगे, दोनों में छोटा छोटा बना दिए। अब अगर बन गया तो बाहर क्लिक कर दीजिए। अब जो है ना इसका डंटी बनाना, चश्मा का डंटी बनाना, तो यहाँ पर लाइन लेंगे, लाइन लेने के बाद इस लाइन को कुछ इस तरीके से इतना बड़ा बना लेंगे, फिर बाहर क्लिक करेंगे, फिर एक और लाइन इसके साथ बना देंगे इस तरीके से, जितना बड़ा बना था बना के और आप छोड़ दीजिए, बाहर क्लिक कर दीजिए। अब इसका मुंह बनाना है, मुंह बनाएंगे नहीं तो फिर खाएगा पिएगा कैसे। तो मुंह बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे हम लोग फिर से ओवल लेंगे और इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, तो ये हंसता खिलता सा आपको चेहरा बन जाएगा। अब क्या करना मुझे इसका पंख बनाना है, पंख, तो पंख बनाने के लिए हम लोग इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हार्ट लेंगे, हार्ट लेंगे और हार्ट को कुछ इस तरह से क्लिक करते हुए ड्रॉ कर लेंगे, जितना बड़ा वो पंख बनाना उतना बड़ा आप ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद मुझे दोनों पंख एक जैसा चाहिए, तो स्लाइड पे क्लिक करेंगे, इसको स्लाइड करने के बाद इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और इसको फिर इसको इतना क्या करना है मुझे घुमाना है, पंख की तरह बनाना है, तो आएंगे रोटर के अंदर और यहाँ से कर देंगे इसको लेफ्ट 90 डिग्री कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो मेरा शेप का जो है कुछ पार्ट कट चुका है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्लाइड करने में थोड़ा गड़बड़ी हो गया, तो फिर से इसको अंडू करते हैं और कुछ आप इसको ज़्यादा कुछ लंबा स्लाइड करिए ताकि उसको घूमने में दिक्कत नहीं हो, तो स्लाइड कर लिए, फिर से आते हैं रोटर के अंदर, यहाँ पर करते हैं लेफ्ट 90 डिग्री करते हैं और इसको आसानी से यहाँ पर आगे इसको फिट कर देते हैं। जी हाँ, फिट कर दिए। अब एक और कॉपी तो किए थे, इसको आप पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट करने के बाद इसको भी यहाँ ले आइए और इसको भी कुछ बाहर क्लिक कीजिए, इसको भी थोड़ा साइज को बड़ा स्लाइड कीजिए ताकि उसको घूमने में दिक्कत ना हो। फिर आएंगे रोटेट के अंदर, यहाँ पर कर देंगे इसको राइट 90 डिग्री कर देंगे, ये कुछ ऐसे घूम जाएगा आपको, फिर यहाँ पर इसको आकर के इसको फिट कर देंगे इस तरीके से। अब इस पंख के अंदर जो भी आपको डिजाइन देना हो, जो भी कलर देना हो, आप आसानी से भर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें कुछ डिजाइन देना है, तो इस एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओवल लेंगे, ओवल को कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इसमें ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इसमें भी आकर के ड्रॉ कर देंगे, फटाफट ड्रॉ कर देंगे इसको। थोड़ा हम वीडियो थोड़ा फास्ट कर देते हैं, आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर इसके अंदर फिर एक स्टार लगाते हैं, स्टार ड्रॉ करते हैं, इसमें स्टार ड्रॉ करते हैं, इसमें भी स्टार ड्रॉ कर देते हैं। अब मेरा पंख का डिजाइन बन गया। अब इसको ड्रेस पहन, ड्रेस पहनने के लिए हम लोग फिर से लाइन लेंगे, लाइन लेने के बाद इसमें इसको ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ इस तरह के ड्रॉ करेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, जैसे आपको ड्रॉ करना हो ड्रॉ कर दीजिए। ये मेरा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, मेरा ड्रॉइंग तैयार हो गया। अब जैसा कलर करेंगे इसके अंदर वैसा देखने में अच्छा लगेगा, तो कलर करिए दोस्तों, कलर करिएगा तो आपका डिजाइनिंग खूबसूरत अट्रैक्टिव बनेगा, लोग देखेंगे तो बस एक ही चीज मुंह से निकलना चाहिए, वाओ। अब क्या करना है, कलर करना है, तो कौन सा कलर आप डालेंगे आंख में इसके ड्रेस में वो डिसाइड कर लेंगे। हम लोग कलर पे क्लिक करते हैं और आंख में डालेंगे ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर लिए हुए हम लिखते हैं फिल विद कलर, और इसमें रेटिना में डाल देते हैं ब्लैक कलर, ऐसे में डाल देते हैं ब्लैक कलर। अब इसके अंदर डालना है मान लीजिए रेड कलर, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे, इसमें डालना है मान लीजिए आपको ये कलर, इसमें डाल दीजिए, तो जो कलर जहाँ डालना हो वो आराम से इसको फिल कर लीजिए। अब पंख में कौन सा कलर डालना है वो आप डिसाइड कर लीजिए, तो डालना है पिंक कलर तो पिंक कलर ले लेंगे और यहाँ पंख में डाल देंगे पिंक कलर, इस तरह डाल देंगे, तो ये आपका जो है बटरफ्लाई अच्छा से तैयार हो गया। अब क्या करना है मुझे इसका डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट क्यों करना है, क्योंकि ये बेचारा सिंगल कब तक कुंवारा रहेगा। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको थोड़ा साइड कर दीजिए और इसको कर दीजिए कॉपी कर दीजिए, फिर इसको पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट करने के बाद इसको जो है आराम से यहाँ पर ला करके इसको रख दीजिए, है कि नहीं दोस्तों। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट बना सकते हैं, और जितना मर्जी उतना कॉपी कट करने के बाद जितना मर्जी उतना पेस्ट कर करके जितना आपको ड्रॉ करना हो, बटरफ्लाई बनाना हो, नन्ना मुन्ना राहे हो, सब बनाना हो, इस तरीके से आप छोटा कर करके इसको यहाँ से बना सकते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट को आपको बैकग्राउंड में सेट करना हो, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि बैकग्राउंड में कौन सा इमेज सेट है, तो बैकग्राउंड इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ बैकग्राउंड में आपका कुछ इस तरह का इमेज सेट है ना, तो हम लोग फिर से इस पेंट को ओपन करते हैं और तो इसको मुझे बैकग्राउंड में सेट करना है, तो बैकग्राउंड में सेट करने के लिए हम लोग फाइल के अंदर आएंगे, यहाँ पर सेट है डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद बोलेगा फाइल को सेव कर लीजिए, ओके करेंगे और यहाँ पर फाइल को नेम जैसे कि देते हैं बटरफ्लाई नाम देते हैं, बटरफ्लाई नाम देते हैं, उसके बाद जो है डेस्कटॉप को सेलेक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं, तो आपका फाइल सेव भी हो जाएगा और यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए, तो यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर भी आपका फाइल आपका जो ड्राइंग है वो सेट हो गया। तो आपका फाइल सेव कहाँ हुआ है, यहाँ देखिए बटरफ्लाई नाम से आपका फाइल सेव हो गया है, इसको फिर से डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पर आपका फाइल यहाँ पर दिखाई देगा
इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, फिर से हम लोग विंडो आर करते हैं और यहाँ पर एम पेंट लेकर के इसको ओके करते हैं, ओपन किया। तो इस तरह से हम लोग डिजाइन बना सकते हैं। तो डिजाइन बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए आपको यहाँ शेप दिया हुआ, शेप का भरपूर यूज करिए, अच्छे से यूज करिए और ड्राइंग करने का प्रयास करिए ताकि आपका माउस पे भी पकड़ बनता रहे। तो इसे भी ओवल, फिर से ओवल लेते हैं, ओवल को ड्रॉ कर लिए, ओवल को ड्रॉ करने के बाद इतना बड़ा ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद हम लोग बाहर क्लिक करेंगे, फिर से उसी ओवल से इसको हम लोग यहाँ पर आंख डिजाइन कर सकते हैं इस तरह से। उसी आंख के अंदर बना देंगे रेटिना। बाहर क्लिक करेंगे। अब मुझे बनाना है नाक। बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे ट्रायंगल लेने के बाद इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करने के बाद इसको बीच में कर लेंगे और फिर बाहर क्लिक कर देंगे। अब इस लाइन को मुझे मिटाना है तो करेंगे सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और इस लाइन को यहाँ से इसको मिटा देंगे। अब क्या करना है, आपको यहाँ से लेना है कर्व। लेने के बाद इस कर्व को हम लोग ड्रॉ करेंगे, इस लेंस पर क्लिक करते हुए इसको आधा पार्ट में खींच लेंगे, इसको हल्का ऊपर कर देंगे और वहीं पर क्लिक कर देंगे। अब बाहर क्लिक करके फिर से इसको इस लाइन में मिला करके इसको हल्का ऊपर कर देंगे और वहीं पर जाकर फिर से दोबारा क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरह का नाक डिजाइन हो जाएगा इसका। उसके बाद जो है इसका मुंह बनाना है, तो उसी कर्व से हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह ड्रॉ कर लेंगे, इसको हल्का नीचे खींच लेंगे, नीचे इतना पर खींच के क्लिक कर देंगे वहीं पर, फिर बाहर क्लिक कर देंगे, फिर हल्का उसी को ऊपर से ऐसे खींचेंगे, आदम खेलेंगे, इसको हल्का जो है ऊपर कर देंगे, वहीं पर क्लिक कर देंगे, फिर बाहर क्लिक करेंगे और फिर इस पर से क्लिक करके इसको ऐसे मिला देंगे इस लाइन से, फिर इसको हल्का ऊपर करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरह का आपका प्यारा सा सुंदर सा चेहरा डिजाइन हो गया। अब जो भी कलर करना कलर कर सकते हैं। और कान बनाओ, कान तो उसी कर्व से इसको ड्रॉ कर लेंगे और जितना बड़ा इसको ईयरफोन बनाना हो ईयरफोन बना दीजिए, फिर इस साइड भी इसको ड्रॉ कर लीजिए और जितना बड़ा बनाना हो उतना बड़ा आप इसको इस साइड भी बना सकते हैं, क्लिक कर दीजिए। ये बन गया आपका प्यारा था। और इसको मान लीजिए कि इसके ऊपर जो है बाल का डिजाइन भी देना है, बाल का डिजाइन तो क्या करें, यहाँ दिया ब्रश, ब्रश से आप अलग अलग डिजाइनिंग कर सकते हैं। ब्रश तो यहाँ ब्रश में आएंगे, ब्रश को ले लेंगे, जो ब्रश अच्छा उसमें क्लिक करेंगे, जो कलर से बाल करना हो ब्लैक से करना ब्लैक रहने दीजिए, इसको इस तरह आप इस तरह है ना, इस तरह से जो है आप इसको डिजाइनिंग कर सकते हैं, है ना। लग रहा है कि बिजली का खंभा से बेचारा टकरा गया और पूरा बाल इसका उड़ गया, है ना। तो जो आपको गाना यहाँ बना दीजिए, ये था आपका ड्राइंग। फिर कंट्रोल ए करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। तो इस तरह ड्राइंग बनाने का काम करिएगा। तो हम लोग आज सीखे हैं कहाँ तक, यहाँ आप लोग फिर विथ कलर सीखे हैं और कोई ड्राइंग करना सीखे हैं। और हम लोग इससे आगे जो है पार्ट टू में, जी दोस्तों पार्ट टू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एमएस पेंट के पार्ट टू में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया।